बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से बॉयकॉट का खूब हल्ला मचा हुआ है। इस मामले पर अब राम तेरी गंगा मैली फेम मंदाकिनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और मीडिया से बातचीत में मन की भड़ास निकाली है। दरअसल मंदाकिनी 25 साल बाद इंडस्ट्री में वापस लौटी हैं। उनका हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ है। ऐसे में उन्होंने aajtak.com को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कैंसल कल्चर और बॉयकॉट पर कहा है, यह सभी बातें बहुत दुख देती हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं था। डायरेक्टर्स को गुरु की नज़रों से देखा जाता था, सभी कलाकार उनकी इज्जत किया करते थे, हम लोगों ने तो हमेशा उनका सम्मान किया है। पहले जो एक अपनापन था, अब वह जैसे कहीं खो सा गया है, दिखता ही नहीं है। शायद यही वजह है कि लोग आज इंडस्ट्री में एक दूसरे पर आरोपों की बारिश करते हैं। मंदाकिनी ने आगे कहा, पहले जो एक लिहाज था वो अब खत्म हो गया है। लोगों के अंदर इतना घमंड आ गया है कि उनको लगता है कि वो चाहे तो इंडस्ट्री की काया पलट कर सकते हैं, उसको पलट कर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, उनकी ही बदौलत ये चलती भी है। घमंड अहंकार की भावना तो होनी ही नहीं चाहिए। इंसान जितना ऊंचाई पर रहे उसे विनम्र होना चाहिए, क्योंकि आम जनता आपको देखती है, प्यार करती है, आपको ही आइडियलाइज करती है, और जब आपको उनका एरोगेंस दिखता है तो जाहिर है कि उनका गुस्सा सामने आएगा ही, और उनके गुस्से का ही नतीजा है बॉयकॉट और कैंसल कल्चर, और कोई कारण नहीं है। मंदाकिनी के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।